की बात है कि हमारे यहाँ सिविल सुप्रीमेसी या आइन की बालादस्ती की डिमांड तो बहुत ज़ोरों शोर से होती है, लेकिन जूँ ही मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में माइनॉरिटीज़ या नॉन मुस्लिम्स को शामिल किए जाने की बहस शुरू होती है तो साढ़े रवैये बदल जाते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि इस धरती को अपना सब कुछ समझने वाले हिंदू, मसीही और दीगर नेटिव नॉन मुस्लिम्स को पाकिस्तान की सियासत के मरकजी धारे से बेदखल कर दिया गया? ऐसा क्यों है कि हमारे यहाँ नॉन मुस्लिम्स की सियासत को सिर्फ और सिर्फ उनकी मजहबी शनाख्त बनाकर रख दिया गया? ऐसा क्यों है कि हमारे यहाँ के नॉन मुस्लिम्स यहाँ की गवर्नेंस के मामलों पर खुलकर बात नहीं कर सकते, मुआशी पॉलिसियों में उस तरह से शरीक नहीं हो सकते जिस तरह से आम नुमाइंदे शरीक होते हैं, और खारजा पॉलिसी पर उनकी राय वो तो बोल ही जाओ? क्यों है ऐसा? तो मेरे ख्याल में इसकी एक वजह हमारे यहाँ की पॉलिटिकल इलीट का वो फैसला था जिसके तहत गैर मुस्लिम नुमाइंदों को पार्लियामेंट में सिर्फ जुदागाना तर्ज इंतखाब के तहत ही आना चाहिए। जी, जुदागाना तर्ज इंतखाब, सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब मुसलमान मुसलमान नुमाइंदों को वोट दें और गैर मुस्लिम नुमाइंदों को। सवाल तो बनता है कि हमारी पॉलिटिकल इलीट ने ऐसा फैसला किया ही क्यों? तो आइए आज नेटिव तारीख में खोज लगाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। बात शुरू होती है करारदाद मकासिद से, जब हमारी पॉलिटिकल इलीट ने मजहब और रियासत को एक साथ जोड़ दिया। करारदाद मकासिद पेश करने वालों का अगला मुतालबा था गैर मुस्लिमों के लिए जुदागाना इंतखाब का। 1951 की मरदमशुमारी ही बताती है कि उस वक्त के मशरकी और मगरबी पाकिस्तान की कुल आबादी तकरीबन 7.5 करोड़ थी, जिनमें से लगभग 1 करोड़ हिंदू थे और उनकी एक बड़ी तादाद मशरकी पाकिस्तान में थी। ये पाकिस्तानी हिंदू मुहिब वतन थे, सियासत और जमहूरियत की अहमियत जानते थे और अपने हकूक के लिए आवाज़ उठाना भी जानते थे। वो जानते थे कि सियासी अमल में मुसलमानों से अलीहदगी के बाद तो यहाँ के नॉन मुस्लिम्स मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से बिल्कुल इरेलीवेंट हो जाएंगे। इसीलिए 1956 के आइन में ये फैसला कौमी असम्बली पर छोड़ दिया गया कि वो सूबाई असम्बलियों से सलाह मशवरा करके अकलियतों का तर्ज इंतखाब तय करें, और कौमी असम्बली ने फैसला किया कि मगरबी पाकिस्तान में अकलियतों का इंतखाब सेपरेट इलेक्ट्रेट के तहत होगा और मशरकी पाकिस्तान में ज्वाइंट इलेक्ट्रेट के तहत। बहरहाल ये फैसला अबूरी था और पार्लियामेंट में अकलियतों की नुमाइंदगी का इशू कन्फ्यूजन का ही शिकार रहा। इस मसले को हल करने के लिए अयूब खान ने 1960 में 11 रुकनीय कमेटी भी बनाई, जिसकी सरबराही साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सर शहाबुद्दीन कर रहे थे। कमेटी की एक अहम फाइंडिंग ये थी कि मशरकी पाकिस्तान का अपर कास्ट हिंदू ज्वाइंट इलेक्ट्रेट का सहारा लेकर नज़रिया पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस करना चाहता है, और ये कि ये हिंदू पाकिस्तान की बेहतरी नहीं बल्कि कुछ और चाहते हैं। जी, ये माइंडसेट रहा है हमारा अपने पाकिस्तानी हिंदुओं के बारे में, जो कि अपना सब कुछ पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर देना चाहते थे। खैर, अयूब खान ने कमेटी की सिफारिशात तो नहीं मानी और उनके दौर में अकलियतों के असम्बली तक पहुंचने के लिए ज्वाइंट इलेक्ट्रेट का तरीका ही इस्तेमाल होता रहा। 70 के इंतखाबात भी इसी तर्ज पर हुए। 73 के आइन में भी अकलियतों के लिए ज्वाइंट इलेक्ट्रेट का ही तरीका इस्तेमाल हुआ, लेकिन फिर मुल्क भर में अहमदियों के खिलाफ होने वाले मुजाहिरों के बाद दूसरी आइनी तरमीम आई और यूँ गैर मुस्लिमों का तरीका इंतखाब भी तब्दील करना पड़ा। चौथी आइनी तरमीम के तहत कौमी असम्बली में नॉन मुस्लिम्स की 6 रिजर्व सीटें थीं, और फिर आए जनरल ज़ियाउल हक, जिन्होंने कमेटी कमेटी खेलना बंद किया और सीधे सीधे जुदागाना तरीका इंतखाब को राइट कर दिया। ये बात है 1978 की, जब जनरल ज़ियाउल हक ने कौमी असम्बली में नॉन मुस्लिम्स की मखसूस 6 नशिस्तों को बढ़ाकर 10 कर दिया और सूबाई असम्बली में भी उनके लिए नशिस्तें मखसूस कर दी गईं, और फिर हमारे नॉन मुस्लिम्स की सियासत मुकम्मल तौर पर उनकी मजहबी शनाख्त तक महदूद होकर रह गई। जनरल ज़िया को अकलियतों की मजहबी शनाख्त से कोई मसला नहीं था, बल्कि उन्होंने तो इस डिवीज़न को और पक्का किया और मौलवी साहिबान के साथ साथ पंडित जी और क्लर्जी को भी पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा बनाया। इसीलिए तो हमारे यहाँ आज भी गैर मुस्लिमों की सियासत रिग्रेसिव है। यकीन ना आए तो आप देख लीजिए कि नॉन मुस्लिम्स की
पॉलिटिकल एलीट या तो ब्राह्मण हिंदू है या फिर कलीसा के आला ओहदेदार, और ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव गैर मुस्लिमों की अक्सरियत के मसाइल के बारे में बात ही नहीं करना चाहते। वो गैर मुस्लिम जो के दलित हैं, शेड्यूल्ड कास्ट हैं, सिंध में वडेरा शाही का शिकार हैं और पंजाब में समाजी इम्तियाज का शिकार हैं। जी, पार्लियामेंट में गैर मुस्लिमों के रिप्रेजेंटेटिव पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा बनाए गए। इसीलिए तो जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने जुदागाना तरीका इंतखाब को ख़त्म करने की बात की तो यही पॉलिटिकल इलीट मुखालफत में सामने आ गई। लेकिन परवेज मुशर्रफ जुदागाना तरीका इंतखाब को ख़त्म करके ज्वाइंट इलेक्टोरेट को ले आए। ये शायद एक अच्छा कदम था, लेकिन साथ ही उन्होंने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम मुतारिफ करवा दिया, यानी पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी नशिस्तें जीतेंगी उसी तनासुब से उनके गैर मुस्लिम उम्मीदवार उन नशिस्तों पर बैठेंगे जो कि कोटा सिस्टम के तहत उन्हें दी गई। मतलब बहुत साफ है, आपको पार्लियामेंट तक पहुंचने के लिए अपने वोटर को राजी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पार्टी की आला क्यादत को ही खुश करने से काम चल सकता है। यही वजह तो है कि हमारे आज के गैर मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ नाम के नुमाइंदे हैं, काम के नहीं। लेकिन अगर हम मजबूत जमहूरियत चाहते हैं तो हमें अक्सरियत के साथ साथ अकलियत के वोट को भी इज्जत देना होगी, उन्हें पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाना होगा। और ऐसा उसी सूरत में मुमकिन है जब हमारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने नॉन मुस्लिम उम्मीदवारों को जनरल नशिस्तों पर टिकट देंगी। ऐसा उसी सूरत में मुमकिन है जब यहाँ की मुसलमान अक्सरियत पाकिस्तानी हिंदुओं को, मसीहियों को या पारसियों को या सिखों को वोट डालेंगे। ऐसा उसी सूरत में मुमकिन है जब मैं और आप पाकिस्तानी हिंदू, मसीही या सिख को वोट डालेंगे और असल पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बनाएंगे।